अस्सलामुअलैकुम, सभी को आदाब। अभी मैं वार्ड नंबर 1 पे हूँ। यहाँ पे हाइमर्स लाइट का उद्घाटन हुआ है जो नई कमान को लग के है। यहाँ पे हमारे मुन्ना भाई काउंसलर आते हैं। आपका बीजे पब्लिक न्यूज में स्वागत है। आप जिस तरह से डेवलपिंग के काम अंजाम दे रहे हैं, वो डेवलपिंग के काम और अच्छे होंगे, मजबूती से होंगे। आने वाले वक्त में इंतखाबात है, इंतखाबात को नज़र में रखते हुए अच्छे काम करेंगे। तो साहब ने एक बात बताई कि मेरा बहुत सारा दबाव रहता। मैं एमएलए साहब के वाजे कर दूँ, मेरा दबाव सिर्फ आपकी और मेरी आवाम की तरफ से रहता है। यहाँ पे आकर एमएलए साहब हाइमास का इफ्तिताह किए, जो करीब 12 लाख के करीब का जो है ना इसका एस्टिमेट आया है। और मुन्ना भाई का कभी भी या उनकी टीम का कभी भी क्या मेरे ऊपर प्रेशर, मीन्स लोगों को पब्लिक के लिए उन्होंने बोलते हैं पार्टी पक्ष बाद में देखेंगे। जब भी इलेक्शन आता है जो भी चीज़ है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमको अभी बेनिफिट जो होना है, जो प्रॉब्लम्स पब्लिक के है जिससे सॉल्व होते हैं इमीडिएट। मुझे कोई छोटा ना कोई बड़ा बनना बोल के मुझे ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 28 अगस्त या बीदर वार्ड नंबर 1 अपोजिट मदीना मस्जिद के सामने एक हाइमास का इफ्तिताह हमारे आली जनाब अब्दुल रहीम खान साहब बीदर एमएलए नॉर्थ के हाथों और हमारे मस्जिद के इमाम साहब के हाथों अमल में आया। बहुत एक 4-5 साल से मैं प्रपोज़ल दे रहा था कि मदीना मस्जिद के सामने एक हाइमास के बहुत ज़रूरी है बोलकर। अब 6-8 महीने पहले बीदर एमएलए साहब को भी मैं लेटर दिया तो एमएलए साहब ये बोले थोड़ा रुकिए मुन्ना, और अच्छा हाइमास बिठाएंगे जो सोलर से भी चलेगा, करंट पे भी चलेगा, करंट जाने के बाद भी जो है ना सोलर से भी चलेगा। यहाँ पे हाइमास ज़रूरी इस वजह से था, यहाँ पे जितने भी हमारे भाई छोटे मोटे कारोबार करते हैं ठेला मंडियों पर या फुटपाथ पर, जब भी करंट जाता था तो वो लोगों की छोटे मोटे बैटरियाँ लगा कर जो है ना कारोबार करते थे, बैटरी बंद हो जाते थे। ख़ासकर खुसूसन बारिश के दरमियान में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे यहाँ पे। तो वो प्रॉब्लम को देखते हुए एमएलए साहब ने ये सोचा कि यहाँ पर सोलर का अगर लगा देंगे तो लोगों को बहुत सहूलत होगी। अभी जैसा कि एमएलए साहब ने एक बात बताई कि मेरा बहुत सारा दबाव रहता, मैं एमएलए साहब के वाजे कर दूँ, मेरा दबाव सिर्फ आपकी और मेरी आवाम की तरफ से रहता है। यहाँ पर आकर एमएलए साहब हाइमास का इफ्तिताह किए, जो करीब 12 लाख के करीब का जो है ना इसका एस्टिमेट आया है। यहाँ पे हमारे साथी काउंसलर मोहम्मद गौस साहब, हमारे मस्जिद के पेश इमाम साहब, हमारे हफीज़ कुरैशी, हमारे कलीम मामो, हमारे वहीद मामा और तमाम जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं, उन तमाम की तरफ से मैं बीदर एमएलए अब्दुल रहीम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से डेवलपिंग के काम अंजाम दे रहे हैं, वो डेवलपिंग के काम और अच्छे होंगे, मजबूती से होंगे। आने वाले वक्त में इंतखाबात है, इंतखाबात को नज़र में रखते हुए अच्छे काम करेंगे। इतना कहते हुए मैं मेरी वार्ड की आवाम की तरफ से और यहाँ के तमाम नई कमान के दुकानदारों की तरफ से बीदर एमएलए रहीम खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। अभी मैं वार्ड नंबर 1 पे हूँ। यहाँ पे हाइमर्स लाइट का उद्घाटन हुआ है जो नई कमान को लग के है। यहाँ पे हमारे मुन्ना भाई काउंसलर आते हैं। उनका मुझे बहुत प्रेशर था कि यहाँ पे वार्ड नंबर 1 में एक हाइमर्स लाइट बिठाइए, क्योंकि छोटे मोटे कारोबार तरकारी बेचने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, और दूसरे यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत जाम होती है, और जब भी लाइट जाती है तो कोई चोरी का दूसरे कई चीज़ों का थोड़ा सा खतरा भी रहता है बोल के मुझे प्रेशर किए थे। तो मैं 1-2 महीने ठहरो, अच्छा सा लाइट डालेंगे बोल के। अभी ये स्पेशली ये लाइट क्या है, ऑटोमेटिक ऑन होती है, ऑटोमेटिक बंद होती है। और दूसरी बात क्या है बोलो तो, ये करंट जाने के बाद भी कंटिन्यू 2-3 दिन तक कंटिन्यू चलती है। तो इससे शहर में बहुत बेनिफिट होता है। बहुत जगह मैं 10-15 जगह इसका बिठाया हूँ, उद्घाटन करते जा रहा हूँ। परसों भी किया था और आज भी, अभी इसके बाद फिर मंगलपेट जा रहा हूँ। और
मुन्ना भाई का कभी भी या उनकी टीम का कभी भी क्या मेरे ऊपर प्रेशर, मीन्स लोगों को पब्लिक के लिए उन्होंने बोलते हैं पार्टी पक्ष बाद में देखेंगे, जब भी इलेक्शन आता है जो भी चीज़ है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमको अभी बेनिफिट जो होना है, जो प्रॉब्लम्स पब्लिक के है जिससे सॉल्व होते हैं इमीडिएट, मुझे कोई छोटा ना कोई बड़ा बनना बोल के मुझे ऐसा नहीं है। पब्लिक को सहूलत होना चाहिए, पब्लिक को बेनिफिट रहना है बोल के 24/7 पानी का प्रॉब्लम बंदे इनके वार्ड में 80-90% रोड ड्रेन हो गए, क्योंकि बहुत ही पीछे पड़ गए, बहुत ही प्रेशर करके मुझे में होंदे, म्यूनसिपाल्टी में होंदे, कभी DC ऑफिस में होंदे, जिससे जो भी काम होता है इमीडिएट उन्हों प्रेशर करके मोहब्बत से काम लिए हैं। कोरोना में भी बहुत सा पर्सनली जान की बाजी लगा के, आपको मालूम है कोरोना लास्ट टाइम कैसा सीरियस था, तो ऐसे इसमें काम किए हैं, तो मैं भी इसलिए तारीफ करता हूँ। पार्टी कौन सा भी होंगे, लोगों को बेनिफिट पहुँच रहा है, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। तो मैं यहाँ पे सभी लोग, हाफिज़ भाई हैं हमारे, वहीद भाई है हमारे, काउंसलर हाउस भाई भी है हमारे, शोएब भाई है डिफीटेड काउंसलर, इस तरह से सभी यहाँ पे वार्ड नंबर 1 पे सभी वार्ड नंबर के सभी हमारे दोस्त हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और इंशाल्लाह 2-3 महीने में अंदर के सभी रोड हो जाएंगे। आपको अगर यकीन नहीं आता तो उसका टेंडर भी हुआ, टेंडर की डेट भी ख़त्म हो गई, कम से कम 20 करोड़ रुपये का आप DC ऑफिस में जाके देख सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन में भी देख सकते हैं, अंदर के सभी रोड उसमें है ही नहीं बोल के। एक महीना 2 महीना उसका प्रोसीजर बेंगलुरु से अप्रूवल होकर आने का रहता है। ओल्ड सिटी न्यू सिटी पूरे नए रोड डाल दिया हूँ, और दूसरे ड्रेन का 2 करोड़ रुपए, कई जगह पानी का प्रॉब्लम बोल के बहुत जगह कंप्लेंट आया था, एक या दो 10 गली में 1-2 गली छूट गई सो है, तो वो भी कंप्लीट कर दिया, उसका भी टेंडर आप देख चुकेंगे। तो मैं इसलिए सभी बिदर के पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हम अच्छे काम करने के लिए हम सब के लिए दुआ करिए। शुक्रिया।